तो ऑल न्यू मारुति सुजुकी इको इंडिया में जल्द लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। साथ में नया ग्रिल काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में नीचे की तरफ आपको एयर डैम और सिल्वर गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में आपको यहाँ पर फॉग लैम्प, हेलोजन सेटअप के साथ देखने को मिलेंगे, जो कि ओवरऑल इसके फ्रंट लुक को काफ़ी अच्छा बनाते हैं और आपको काफ़ी विजिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें साइड लुक से, तो यहाँ पे आपको नई तरीके से डोर खोलने की सुविधा देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। पीछे की तरफ बात करें तो आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिलेगी, इको की बैजिंग देखने को मिलेगी और पीछे से गाड़ी काफ़ी ऊंची लगेगी और डायमेंशंस भी काफ़ी बड़े हैं पहले से। इंटीरियर की तरफ में आपको ज़्यादा स्पेस और नया डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलेगा, जो कि मारुति एस्प्रेसो से इंस्पायर्ड रहने वाला है, जहाँ पे बीच में आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे बात करें तो पहले से ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 5 सीटर और 7 सीटर दोनों कन्फिग्रेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है। अगर बात करें कुछ और फीचर्स की, तो यहाँ पे आप 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने जा रही है। अगर बात करें दोस्तों इसके इंजन को लेकर, तो इंजन इसमें आपको नया देखने को मिलेगा, जिसमें आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर आपको निकाल के देगी। यहाँ पे माइलेज की बात करें तो लगभग 31.45 KMPL का देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों इसके लॉन्च डेट की, तो आपको 2022 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। प्राइजिंग की बात करें तो 10 to 15,000 इंक्रीज़